देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ शगुफा सैयदा। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में। उन्होंने अपना 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस 100 दिनों की उपलब्धि यही है कि देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, नया निवेश आने का नाम नहीं ले रहा है, गाड़ी और मकान बन बन कर तैयार है लेकिन खरीदारी के लिए खरीदार नहीं मिल रहा है। नतीजा लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। फिर भी मंदी के इस दौर में बीजेपी की सियासत में बढ़ती का माहौल है। एक के बाद एक राज्य में धड़ाधड़ विपक्षी नेता भगवा खेमे में शामिल हो रहे हैं, या ये कहें कि शाम दाम दंड भेद की भाजपाई रणनीति के कारण पाला बदलने को मजबूर हो रहे हैं। विपक्ष की आवाज बनने वालों को जेल में ठूसा जा रहा है और मीडिया में असहमत होने वाले को निशाना साधा जा रहा है। कहां गायब हो गई नौकरियां, देश में बेरोजगारी का बुरा हाल है। थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMII द्वारा जारी किए गए मुताबिक आंकड़ा अगस्त 2019 में बेरोजगारी 8.4% रही है, जो 3 साल की उच्चतम स्तर है। इस माह के दौरान शहरी बेरोजगारी दर 9.6% रही, जबकि गांव में ये तुलना 7.8% है। 2016 के सितंबर में बेरोजगारी दर ऊपर जा रहा है। अगस्त महीने के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री और कम हो गई है। इससे साफ है कि उपभोक्ता अब नई वाहन खरीदने में कतरा रहे हैं। सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स सियाम के आंकड़े इस सेक्टर को बुरी हालत दिखाते हुए अगस्त 2019 में यात्री वाहन की बिक्री 115,957 रही, जबकि पिछले साल इस माह में 196,847 थी, यानी 41% की गिरावट आई है। काबिले गौर है कि मई 2019 में 249,347 वाहनों की बिक्री हुई थी। कर्मशील वाहनों के क्षेत्र में बिक्री 49% से कम रही। वहीं अगस्त 2019 में 94,668 गाड़ियों की बिक्री हुई थी। इस साल मई में 68,847 गाड़ियों की बिक्री हुई। सियाम के मुताबिक नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से ही इस क्षेत्र में 3.5 लाख से अधिक नौकरियां कम हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान 300 से ज्यादा डीलरों ने अपने शोरूम बंद कर दिए। हालिया चुनाव में जबरदस्त बहुमत पाने वाली बीजेपी सरकार ने विपक्षी नेताओं को जमकर अजीब सी नीति अपना रखी है। वो अपने डराने धमकाने से लेकर भगवा ब्रिगेड में शामिल करने के तमाम हथकंडे अपना रही है। कर्नाटक में JDS और कांग्रेस के 15 विधायकों के दल बदल से वहां कांग्रेस JDS गठबंधन की सरकार जाती रही है, जबकि सिक्किम में पवन चामलिंग के नेतृत्व वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायकों ने भगवा खेमे में शामिल हो जाने से बीजेपी वहां रातों रात सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। TDP के 4 राज्यसभा सदस्यों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। इनमें से 2 के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने विभिन्न मामलों में तफ्तीश कर रही थी। मीडिया कवरेज के मामले में सरकार की धारा से विपरीत चलने वाली NDTV नेटवर्क के प्रमोटर प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। सरकार या बीजेपी नेताओं के खिलाफ खबर करने वाले कई स्थानीय पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस तरह के हथकंडे अपनाकर मीडिया में सरकार के खिलाफ थोड़ा बहुत बोलने वालों का मुंह बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। थिंक मंदी, बेरोजगारी, चौपट होते उद्योग धंधों और महंगाइयों के बीच भारतीय जनता के लिए एक और बुरी खबर है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार पिछले 5 साल में भारतीय परिवारों का कर्ज दोगुना हो गया है और इस दौरान कुल देनदारी 58% बढ़कर 7.4 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले भी साल 2017 में ये बढ़ोतरी महज 22% रही थी। ये आंकड़े देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च विंग के अध्ययन पर सामने आया है। इतना ही नहीं, इन 5 सालों के दौरान भारतीय परिवारों का कर्ज दोगुना हो गया है, जबकि देश के घरेलू बजट में 4% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और ये 34.6% से गिरकर 30.5% पर पहुंच गई है। इस दौरान खर्च योग आमदनी डिस्पोजल इनकम महज 1.5 गुना बढ़ा है। इस नतीजे की देश की कुल बचत में 4% की बड़ी गिरावट आई है। सुस्त
अर्थव्यवस्था पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जेल से ही लिखा अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैंने पी चिदम्बरम अपने परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से ट्वीट करने के लिए कहा है। चिदम्बरम ने कहा कि ईश्वर इस देश की रक्षा करे। चिदम्बरम ने आगे लिखा, मेरी चिंता देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सिर्फ एक आंकड़ा पूरी कहानी बता देता है और ये आंकड़ा घटा हुआ एक्सपोर्ट है। अगस्त के दौरान एक्सपोर्ट में 0.05% की निगेटिविटी ग्रोथ आई है। दुनिया में किसी भी देश में 8% जीडीपी ग्रोथ तब तक प्राप्त नहीं की जब तक सालाना एक्सपोर्ट में 20% ग्रोथ ना आई हो। मोदी के राज में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देश की जीडीपी दर 6 सालों में सबसे कम यानी कि महज 5% के आंकड़ों पर मापी गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जितना अनुमान लगाया गया था जीडीपी की विकास दर से आंकड़ा उससे भी खराब है। दरअसल सीएनबीसी टीवी 18 के इंटरव्यू के समय शक्तिकांत दास ने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ घटते जा रहा है। उन्होंने कहा 5% का आंकड़ा उनके लिए चौंकाने वाला था। उनका कहना है कि जीडीपी विकास दर का अनुमान 5.8% लगाया गया है लेकिन 5% के आंकड़े ने हैरान कर दिया है। मोदी सरकार जनता को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में तो दिखा रही है लेकिन देश में आई मंदी से सच खोलने का वो बात नहीं कर रही है। सरकार भले ही 5% जीडीपी के आंकड़ों को नजरअंदाज कर रही है लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस आंकड़ों पर अपनी हैरानी जताई है। दास ने कहा कि विकास दर के आंकड़ों का इतना कम आने का कारण पता लगाया जा रहा है। भारत की कमजोर होती अर्थव्यवस्था का असर देश के कई सेक्टरों पर देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर समेत कई अन्य क्षेत्र मंदी की चपेट में आ गया है। लोगों की नौकरियां जा रही है, सरकारी कंपनियों में कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। फिर भी सरकार का दावा है कि वो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से बचाए। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।